नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आप सबके पसंदीदा चैनल निक एंटरटेनमेंट में। जी, अगर बात की जाए तो आज आप लोग के बीच इंडियन क्रिएटर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ इंडियन क्रिएटर के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि सबसे महंगा पानी कौन पीता है। जी हाँ, अगर बात की जाए फ्रेंड्स, ये खबर, ये जो वर्ड है सबसे महंगा पानी, आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि पानी कितना महंगा हो सकता है। वैसे आप लोग को बता दें, पानी भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और पानी के बारे में बात की जाए तो विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस बात को लेकर के कि विराट कोहली सबसे ज़्यादा महंगा पानी पीते हैं पूरे दुनिया में। लेकिन अगर की जाए और सारे भी प्लेयर हैं और सारे भी क्रिकेटर हैं जो भी महंगा पानी पीते हैं, और इस लिस्ट में उनको मैंने शामिल किया है। और आज आपको बताने वाले हैं कि सबसे महंगा पानी जो मैंने लिस्ट शामिल किया है इसमें से कौन कौन पीते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। सबसे पहले जिस प्लेयर के बारे में बात करेंगे, इनका नाम है केएल राहुल। जी हाँ, अगर बात की जाए तो केएल राहुल के बारे में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित इंडियन टीम के प्लेयर हैं। जी हाँ, अगर इनके बारे में बात किया तो बहुत ही बढ़िया खेलते हैं और इनका खेल सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अभी अगर केएल राहुल के बारे में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं, और सब लोग केएल राहुल को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो बैटिंग स्टाइल है वो बहुत ही मज़ेदार है। लोग इनकी बैटिंग स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और साथ में अगर बात की जाए फ्रेंड, तो ये भी काफ़ी महंगा पानी पीते हैं। वैसे अगर नॉर्मली बात की जाए, एक लीटर जो पानी का बोतल होता है वो हम 10-20 रुपए में खरीदते हैं, लेकिन केएल राहुल के पानी के बारे में बात की जाए, इनके पानी की बोतल के बारे में बात किया तो 750 ml। जी हाँ, 750 ml का अगर बात की जाए तो 1500 रुपये लगता है, यानी 1500 रुपीज़ इनका लगता है अगर आप इनका पानी को खरीदने जाते हो। ये जो पानी पीते हैं उस कंपनी का नाम है वीन। जी हाँ, वीन नाम है कंपनी का, पानी का बोतल भी देख सकते हो। और पानी के बारे में बात की जाए, इस पानी के बारे में बात किया तो 750 ml पानी का अगर दाम के बारे में बात किया जाए तो 1500 रुपये है, जो काफ़ी महंगा है। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग नॉर्मली जो पानी खरीदते हैं उसकी जो प्राइस होती है वो 10 से 20 रुपये होती है, लेकिन ये जो पानी पीते हैं उस पानी की कीमत के बारे में अगर बात की जाए, केएल राहुल के पानी की कीमत के बारे में बात की जाए तो 750 ml की जो प्राइस है वो 1500 रुपये है। अब बात करेंगे आप लोग बीच रोहित शर्मा के बारे में। अगर रोहित शर्मा के बारे में बात की है तो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर में से जाने जाते हैं और बहुत ही चर्चित, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। इनके खेल को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ओडिया में अगर बात की तो इन्होंने सर्वाधिक स्कोर भी बनाया। जी हाँ, बात की तो 264 रन बनाए थे और 264 रन इनका सर्वाधिक रन। और बात की जाए अगर इनके बारे में बात की तो सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है अभी तक ओडिया में एक प्लेयर के द्वारा बनाया गया वो 264 है। इनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। और बात की तो इनकी जो बल्लेबाजी है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक है। साथ में अगर इनके पानी के बारे में बात की जाए तो इनका पानी भी काफी ज्यादा महंगा है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इनके पानी के बारे में बात किया तो ये जो पानी पीते हैं उसका नाम है Bling H2O। जी हाँ, Bling H2O है। और उसकी कीमत के बारे में बात किया तो 750 ml की जो कीमत है वो 2700 रुपये, यानी अगर बात की जाए 2700 रुपीज़ अगर बात किया 750 ml की प्राइस है। और पानी का नाम के बारे में बात की तो Bling H2O है। रोहित शर्मा के बारे में बात किया तो बहुत ही बेस्ट प्लेयर हैं, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं। इनके खेल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए अच्छे पानी पीने से, ये जो पानी पीते हैं उससे इनकी फिटनेस बरकरार रहती है और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाते हैं। अब जिस प्लेयर के बारे में बात करेंगे, इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। और अगर इनके बारे में बात किया तो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर रह चुके हैं। इनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त थी, इनकी कप्तानी बहुत ज़बरदस्त थी, बात किया इनकी कीपिंग बहुत ही अच्छी थी, और साथ में इनकी स्टंपिंग की बात क्या कहना, रनिंग भी बहुत अच्छी थी इनकी, यानी अगर बात की जाए तो लोग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। और महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड के नंबर वन प्लेयर थे, क्रिकेटर थे। और अगर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात किया तो इनका फिटनेस भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। अभी भी जिस प्रकार से रनिंग करते हैं, कोई भी क्रिकेटर इनके सामने रनिंग में पीछे ही रह जाता है। अगर महेंद्र सिंह धोनी बारे में बात की जाए तो इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही तगड़ा रहा है। इंडियन टीम के लिए खेले, अभी भले संन्यास ले लिए हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त इनकी खेल थी, बहुत ही जबरदस्त लोग इनके खेल को पसंद करते थे। साथ में अगर इनके पानी के बारे में बात किया तो ये भी काफी ज्यादा महंगा पानी पीते हैं। ये जो पानी पीते हैं उसका नाम है फ्लेको। जी हाँ, फ्लेको पानी का नाम है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्लेको पानी पीते हैं। और पानी की प्राइस के बारे में बात किया तो काफी ज्यादा महंगा है, क्योंकि बहुत ही महंगा ये पानी आता है। 750 ml की इस पानी की जो प्राइस है वो 15000 रुपए है। जी हाँ, आपने कोई गलत नहीं सुना फ्रेंड्स, हम लोग जो नॉर्मली पानी पीते हैं वो 15 रुपए के आसपास लीटर आता है, लेकिन ये जो पानी पीते हैं उसकी जो प्राइस है, जी हाँ, उसकी प्राइस जो है वो 15000 यानी 15000 रुपी है, वो भी 750 ml की। जी हाँ, 750 ml की जो प्राइस है वो 15000 रुपए, और काफ़ी ज़्यादा महंगा पानी है। साथ में अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा पानी होता है। और अगर उस पानी के बारे में बात की जाए, फ्लेको के बारे में बात की जाए, फ्लेको वाटर के बारे में बात की जाए, तो फिटनेस जो होता है, फिटनेस को बरकरार रखती है, फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। जी हाँ, तो काफ़ी महंगा पानी पीते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और पानी के बारे में बात की तो पानी का जो नाम है वो फ्लेको है।
अब जिस क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे, इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस हमेशा बहुत ही बढ़िया रहा है, साथ में इनका शॉट बहुत ही बढ़िया रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने शॉट खेले हैं अभी भी लोग नहीं खेल पाते, इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। और बात की जाए तो इनको क्रिकेट का भगवान माना जाता है, और क्रिकेट का भगवान सिर्फ भारतीय लोग नहीं मानते हैं बल्कि पूरी दुनिया इनको क्रिकेट का भगवान मानती है। इनको जी हाँ, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। क्रिकेट के बारे में अगर बात की जाए तो लोग इनको बहुत ही पसंद करते हैं, साथ में भारत रत्न मिला हुआ है सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर के बारे में बात की जाए तो बहुत ही कम उम्र से इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था, बहुत ही जबरदस्त खेल है। साथ में इनकी नेटवर्थ के बारे में बात की जाए, कमाई भी काफी ज्यादा है। और साथ में अगर इनके पानी के बारे में बात की जाए तो ये जो पानी पीते हैं उस पानी का नाम है कोना निगारी। जी हाँ, कोना निगारी वाटर पानी का नाम है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इस पानी के बारे में बात की जाए तो काफी महंगा पानी है। जी फ्रेंड, आप लोग सोच सकते हो ये जो पानी पीते हैं उस पानी की जो प्राइस है वो 750 ml की 27,000 रुपए है। जी हाँ, सही सुना आपने फ्रेंड्स, 27,000 इनकी ये जो पानी पीते हैं उस पानी की प्राइस है, वो भी 750 ml की, काफी महंगा पानी पीते हैं। जब ये इनका जब खेल चलता था, जब क्रिकेट खेलते थे, बहुत ही जबरदस्त इनका खेल रहता था। साथ में इनकी फिटनेस भी बहुत ही जबरदस्त रहती थी। मैच भी इन्होंने काफी ज्यादा खेला है, शतक भी इन्होंने काफी ज्यादा लगाया है। साथ में इनकी जो खेल रही है, खेल भी बहुत जबरदस्त। रन के बारे में बात किया तो रन भी इनका बहुत ही ज्यादा है, और बहुत ही मजेदार तरीके से हमेशा ये क्रिकेट खेले और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन शॉट लगाए हैं। साथ में सचिन तेंदुलकर के पानी के बारे में बात की जाए, जिस पानी को ये पीते हैं उस पानी का नाम है कोना निगारी वाटर। पानी की जो प्राइस है 750 ml की 27,000 है। अब जिस प्लेयर के बारे में बात करेंगे, इनका नाम है विराट कोहली। अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान समय में इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं और काफ़ी बेहतरीन प्लेयर भी हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलते हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में अगर बात की जाए, बैटिंग में बात की जाए, बल्लेबाजी में तो नंबर वन अभी हैं। जी हाँ, नंबर वन क्रिकेटर हैं अभी। बल्लेबाजी में बात की जाए तो विराट कोहली नंबर वन पे आते हैं और हमेशा इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं, इनके खेल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ, अगर बात की तो सचिन, जी हाँ सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार से खेलते थे अगर बात किया तो लोग मानते हैं कि विराट कोहली भी अभी के में उसी प्रकार से खेलते हैं और विराट कोहली के खेल को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। साथ में अगर विराट कोहली के बारे में बात की जाए तो विराट कोहली हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि विराट कोहली भी काफी ज्यादा महंगा पानी पीते हैं। जी हां फ्रेंड्स, विराट कोहली जिस पानी को पीते हैं उसका नाम है इलान। अगर इलान वाटर के बारे में बात किया तो काफ़ी महंगा आता है। जी हाँ, काफ़ी महंगा पानी होता है और विराट कोहली इस महंगे पानी को पीते हैं, इलान को पीते हैं। और इस पानी के बारे में बात किया, इस पानी की प्राइस के बारे में बात किया तो इस पानी जो है, वो ये जो पानी है वो 34,109 रुपए में, जी हाँ 34,109 रुपीज़ में अगर बात की जाए तो 750 ml आता है और काफ़ी महंगा पानी है। इतना महंगा पानी अगर बात किया तो बहुत सारे लोगों की इतनी सैलरी नहीं होती है, इतनी सैलरी जिसको मिल जाती है वो खुशी खुशी से अपना जीवन जीता है। लेकिन अगर विराट कोहली के बारे में बात किया तो विराट कोहली इतना महंगा पानी पी जाते हैं और 34,109 रुपए में 750 ml पानी आता है, यहाँ तक कि एक लीटर भी नहीं आता इलान। और आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा महंगा वाटर है। जी हाँ, अगर बात किया तो विराट कोहली काफी ज्यादा फिट हैं, काफी ज्यादा फिट प्लेयर हैं और विराट कोहली इसमें पानी को बहुत ज्यादा श्रेय देते हैं। वो कहते हैं कि साफ सुथरा पानी पीने से शरीर भी साफ सुथरा रहता है, इसलिए विराट कोहली का मानना है कि वो महंगा पानी पीते हैं और इनकी जो फिटनेस होती है वो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बढ़िया होती है। जी अगर बात की जाए तो मैच में भी काफ़ी बार इनको देखा गया इस महंगा पानी को पीते हुए। साथ में अगर विराट कोहली के फिटनेस के बारे में बात की जाए तो इनका फिटनेस भी काफ़ी जबरदस्त है, इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ा है, इनके परफॉर्मेंस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और आज की इस लिस्ट में मैंने आपको बताया कि सबसे महंगा पानी पीने वाले कुछ क्रिकेटर के बारे में मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर से ऐसे वीडियो आप लोग के बीच ला सकूंगा। और मैं फिर मिलूंगा आप लोग से अपना दूसरा वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।